वजह से खट्टर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। अगर आप देखिए, जवान किसका मुद्दा, अग्निवीर, पहलवान किसका मुद्दा है, केंद्र सरकार का मुद्दा है, किसान किसका मुद्दा है, केंद्र सरकार का मुद्दा, और ये वो तीन मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर हरियाणा का चुनाव तय होना है। अब ये चौंकाने वाले नतीजे किसके लिए रहेंगे, ये अपने आप में सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पार्टी चाहेगी तो आपसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर ही होगी। त्यागी जी के लिए अब खुश होने का कोई मौका नहीं है। नहीं कुमारी सलजा को लेकर तो बीजेपी बड़ा तंज कस रही थी, कांग्रेस पार्टी पर कि एक दलित चेहरे को नहीं लाया गया, ये वो दुनिया भर का। अब आपके घर में ही देखिए किस तरह से अलग अलग सुर सीएम पद को लेकर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोदी अड्डा में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब अंजना ओम कश्यप के बाद चित्रा त्रिपाठी जी का भी चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि हरियाणा के अंदर से सीधे तौर पर जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भाजपा की हार है और इस हार का जिम्मेवार केंद्र सरकार है, यानी नरेंद्र मोदी जी है। देखिए, आशुतोष ने जब ऐसा विश्लेषण किया तो किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और संगीत रागी भी इसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं परंतु विफल रहते हैं। कौन से वो बड़े मुद्दे हैं, आइए देखते हैं। को केंद्रीय राजनीति में भेज दिया गया। अब नायब सिंह सैनी, ओबीसी की जो तमाम जातियां हैं उनके साथ 40% पूरा हिस्सा बनता है, ऐसे में क्या कमाल कर पाएंगे अपने चेहरे पर, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आशुतोष जी, आपसे शुरुआत करते हुए, मुख्यमंत्री को आपने सुन लिया है, बड़े बड़े दावे मौजूदा वक्त में भी जब जनता वोट डाल रही है तब भी नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं, क्या नजर आता है, कौन सा मुद्दा? मैं तो साफ तौर पर देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार की गई नीतियों की वजह से खट्टर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। अगर आप देखिए, जवान किसका मुद्दा, अग्निवीर, पहलवान किसका मुद्दा है, केंद्र सरकार का मुद्दा है, किसान किसका मुद्दा है, केंद्र सरकार का मुद्दा, और ये वो तीन मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर हरियाणा का चुनाव तय होना है। केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से किसानों के साथ बर्ताव किया और उनके इशारे पर जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने बर्ताव किया उसकी वजह से किसान नाराज है। जिस तरीके से पहलवानों के साथ बर्ताव किया गया, महिला पहलवानों के साथ बर्ताव किया गया और एक एक्शन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं हुआ, वो तो नरेंद्र मोदी सरकार के समय में हुआ, तो उसके लिए खट्टर सरकार को आप क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे? या अग्निवीर की जो नीति है वो तो केंद्र सरकार की नीति है, और ये तीन वो मुद्दे हैं जो हरियाणा के चुनाव को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आज आप हरियाणा के अंदर देखिए तो वहां राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से ज्यादा दिखाई पड़ी है। मैंने कह रहा हूं, सीएसडीएस का सर्वे इस ओर इशारा कर रहा है। तो अब उसमें 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, जाहिर सी बात है उसमें ये तीन चीजें जब ऐड होती हैं तो वहां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत पैदा होती है। तो मसले सिर्फ तीन ही है वहां पे, किसान, जवान, पहलवान, और उसके अलावा अगर आप जोड़ना चाहें तो एंटी इनकम्बेंसी जोड़ दीजिए उसमें। ठीक है, बस संविधान को लेकर भी वहां पर आगे बढ़ गया। अब संगीत रागी जी, बीजेपी के लिए उन्होंने गिना दिया कि कितनी मुश्किलें कई मोर्चों पर हो रही हैं हरियाणा में। इसका मतलब है कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, देखिए, अग्निवीर जो है वो एक ऐसी नीति है, एक ऐसी योजना है जो भविष्य के भारत को ध्यान में रख करके लाई गई है। यदि आप उसे एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ करके भी देखेंगे तो इस देश के साथ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। अब इसको कांग्रेस पार्टी ने भुनाया है, चूँकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति यही है कि कुछ भी हो हमें भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। ये देखना है, यदि इतना ही ये मुद्दा था तो लोकसभा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर जाती या क्लीन स्वीप कर जाती, ऐसा हुआ नहीं है। 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लीड की है। यदि पिछला आप देखेंगे, यदि 2019 का चुनाव देखेंगे तो उस समय भी यही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 26 में वो रनर थी, जहां पर 13 ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे थी और 9 ऐसी सीटें थी जहां पर 20,000 से 25,000 के वोटों के बीच में थी। अब ऐसा है कि आज की स्थिति में वहां पर जिस प्रकार से हरियाणा पार्टी के अंदर खुद भी मारकाट मची हुई है, तो ये कहना हो सकता है, इसकी बड़ी गुंजाइश होगी कि हरियाणा के अंदर जो जाट और नॉन जाट जो पोलराइजेशन होता है वो यदि देखने को मिले तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार अपने दम पर बना लेगी। ठीक है, अब ये चौंकाने वाले नतीजे किसके लिए रहेंगे, ये अपने आप में सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक प्रतिक्रिया जल्दी जल्दी आशुतोष जी आपसे ही शुरू कर लेती हूँ, और सभी दावा कर रहे हैं चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिलेंगे। नहीं, देखिए, अब ये बात तो बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में तो किसी का भी आकलन नहीं था कि वहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, जीतने जा रही है, लेकिन उसके बावजूद नतीजे आए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके की रुझान इस वक्त हरियाणा से आ रहे हैं और जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में
जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वोटों में गिरावट हुई है, 12% का वोट का गिरावट हुई है, 58% पिछली बार था, इस बार 46% के आसपास वोट है, तो 12% वो भी उस चुनाव में जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मुद्दे के तौर पर है। और अगर आप 2019 के विधानसभा चुनाव से अगर आप देखेंगे तो विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में 30% का गैप था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आज लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस आगे है आम आदमी पार्टी के साथ, तो बीजेपी पीछे। इसका मतलब यह कि जो ट्रेंड इस वक्त है, जो रुझान दिखाई पड़ रहा है, वो साफ है कि अगर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी साथ साथ खड़ी हुई है तो विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली। मैं आप जानती, मैं कभी भी ना तो सीटों के बारे में प्रेडिक्शन करता हूं, ना ये कहता हूं कौन जीत रहा कौन हारा। मैं इतना जरूर कहता हूं कि आज की तारीख में कांग्रेस को बढ़त है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी को बढ़त है, लेकिन संगीत रागी ठीक है ना जी, और कोई उनको पूछ नहीं रहा और उनको अपमानित भी किया जा रहा बार बार पे, तो वो एक हिंट दे रही है बीजेपी को कि मेरे बारे में भी कुछ सोचो। सोचेंगे जब आप सीएम बनेंगे तब। देखिए अगर पार्टी चाहेगी, अगर पार्टी चाहेगी तो आपसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर ही होगी। अंबाला कैंट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अगली मुलाकात सीएम आवास में ही होगी, इस बात का दावा करते हुए संजय जी बिना देर के सीधे आपके पास आते हुए, अब इनकी ओर से भी दांव चल दिया गया है। 71 साल के हैं, सातवीं बार चुनावी मैदान में हैं और सीनियर मोस्ट विधायक एक तरीके से। अब मुझे लगता है ये दर्शाता है कि कितनी उनकी नाराजगी रही होगी पार्टी से, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है और वो बार बार दावेदारी कर रहे हैं और बहुत दिनों दिन बहुत खुल के दावेदारी हो रही है। इतना खुल के वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी चाहे तो आपसे मुलाकात सीएम आवास पर होगी। हम इस बात की चर्चा करते हैं कि दावेदारी करना सबका अधिकार है, अगर आप पार्टी में हैं, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, चुनावी राजनीति में हैं, तो सबको एस्पिरेशन होता है कि बड़े से बड़े पद पर जाएं, मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस वक्त चुनाव चल रहा हो पार्टी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ऐसे में अगर आप खुल के दावेदारी कर रहे हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना तो जरूर दर्शाता है। हाँ विनोद जी, अनिल जी के बारे में, जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तब भी उनके सुर जो है अलग रहते थे, और जब नायब सिंह खन्ना साहब मुख्यमंत्री बने तो अनिल विज उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए थे, तो उनको हटा दिया गया था ना मंत्री पद से, बेचारे को मंत्री नहीं बनाया गया, तो वो फिर तभी क्या से, करते? तभी से उनके मन में जो है एक नाराजगी भी है और इच्छा तो है ही, इच्छा सबकी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो चीज शैलजा जी पर लागू होती है वो बीजेपी अनिल विज पे भी लागू होती है। तो मतलब संगीत रागी जी के लिए अब खुश होने का कोई मौका नहीं है। कुमारी शैलजा को लेकर तो बीजेपी बड़ा तंज कस रही थी, कांग्रेस पार्टी पर एक दलित चेहरे को नहीं लाया गया, ये वो दुनिया भर का। अब आपके घर में ही देखिए किस तरह से अलग अलग सुर सीएम पद को लेकर सुनाई दे रहे हैं। दलित का चेहरा कौन है? हाँ, ये अशोक कुमार थे, वो चले गए कांग्रेस में। देखिए जो अनिल विज है वो काफी तेज तर्रार कम से कम पॉलिटिशियंस रहे हैं, और आप यदि कुमारी शैलजा से यदि उनकी तुलना करें तो वो बहुत आगे हैं। तेज तर्रार हैं, ठीक है, लेकिन संघर्ष करके 28 साल की उम्र में पहली बार वो लोकसभा का चुनाव जीती थी आप जी। हाँ। अनिल विज काफी मुखर होकर के बोलते रहे हैं और कई बार ऐसे भी बोलते हैं जब उनको लगता है वो पार्टी अनुशासन से बाहर जा करके बोल रहे हैं, और स्वाभाविक है कि ऐसे में नहीं बोलना चाहिए। पार्टी के अनुशासन कभी कभी भारतीय जनता पार्टी में तो ये देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा खेमा है जो अनिल विज को नेता के रूप में भी देखता है और लगता है कि नहीं, ये कम से कम अपने मन की बात, कार्यकर्ताओं की बात खुले तौर पर, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, सही है, चाहे वो किसी अन्य वैचारिक मुद्दे की बात हो, वो खुल करके अपनी बात रखते हैं। ठीक है, यहाँ कम से कम जी। हाँ दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, पूरा विश्लेषण देखा, सीधे तौर पर हरियाणा के अंदर 10 सालों से उनकी सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी होनी ही थी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री को समय से पहले हटाना पड़ता है, सैनी साहब को लाना पड़ता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को पोस्टों से गायब करना पड़ता है, और सीधे तौर पर जो लोकसभा और विधानसभा के अंदर जो सीटों का जो प्रतिशत है वो 12% जो वोट बैंक है वो भाजपा का गिरा है और कांग्रेस का बढ़ा है। इसे सीधे तौर पर फायदा आप देख सकते हैं, और राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो CSDS का सर्वे है उसमें भी बिल्कुल सम्मान दिखाई दे रही है। और कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर आशुतोष ने भाजपा को बताया है कि वो क्यों बैकफुट पर है? हो सकता है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, हो सकता है कुछ अच्छा उन्होंने किया हो, परंतु क्या किया हो ये बताने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कुमारी जो शैलजा है उनको सीएम नहीं बना रहे हैं, इसलिए वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बल्कि उनकी तरफ से भी नए नए मुख्यमंत्री निकल कर आ रहे हैं
जो अनिल विज है उन्होंने कहा है कि जनता चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। अब इस प्रकार की बातें भी निकल कर आ रही है और केंद्र सरकार पर आशुतोष ने बड़ा हमला किया और कहा है कि जो केंद्र सरकार की जो बड़ी गलतियां हैं उसका खामियाजा भी अब हरियाणा भुगतेगा। अगर वो हार जाता है तो मान लेते हैं कि केंद्र सरकार की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि जो अग्निवीर मुद्दा है वो भी हरियाणा के अंदर काफ़ी हावी है, पहलवानों का मुद्दा है वो भी हावी है क्योंकि ब्रिजभूषण पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, किसानों का जो मुद्दा रहा है जो किसान आंदोलन भी हुआ था और एमएसपी को भी लेकर हुआ था वो भी बड़ा मुद्दा है। ये तीनों बड़े मुद्दे हैं जो कि केंद्र सरकार की विफलता को दर्शाते हैं। अगर भाजपा हारती है तो इन मुद्दों का भी बड़ा रोल रहने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।